नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश में सोमवार को विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी चरण के लिए मतदान समाप्त हो गए। अब चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले 7 मार्च को विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल के नतीजे पेश कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को लेकर कई एग्जिट पोल में बीजेपी को फिर से बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। साल 2017 में बीजेपी ने 312 और सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटें हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने 47 और भाजपा ने 19 सीटें जीती थी। आगे आपको 5 मुख्य चैनलों के एग्जिट पोल की औसत नतीजों से रूबरू कराते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 2 से 3 सीटें ही आएंगी। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल में बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 151, बसपा को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य पार्टियों को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक पी मॉर्फ ने भी भाजपा को बहुमत दिया है, लेकिन सीटों का आंकड़ा 240 रखा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 140 सीटें और बसपा को 17 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कई बार सटीक अनुमान जताकर चर्चा में आए चाणक्य टुडेज न्यूज 24 के सर्वे में भी भाजपा को 294 सीटें दी गई हैं। वहीं सपा को 105 सीटें और भाजपा को महज 2 सीटों पर ही सिमटने का अनुमान जाहिर किया है। एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में भाजपा को 288 से 244 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें मिलने की बात कही गई है, तो भाजपा को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो उसे किसी भी सर्वे में 5 से ज्यादा सीटें नहीं दी गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।